अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मंजिल भाई शराज खान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज जिस तारीखी जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ, बानी है हैदराबाद और हाकिम है हैदराबाद, गुलाम शाह कलहोरो की दरगाह पर आज हम हाजिर हैं। नाज़रीन, यहाँ की तारीख के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हाकिम थे, इन्होंने 18वीं सदी में सिंध पर हुकूमत करी। इन्होंने अपने दौर हुकूमत के अंदर बहुत फतूहात करी और मीरठ को, मुग़लों को, कल्लात के राजाओं जैसे इन बड़े बड़ी रियासतों के सरबराहान को इन्होंने शिकस्त दी और सिंध की जो है वो सरबराही की। इनके मशहूर कारनामे की अगर हम बात करें तो इनमें जो है वो इन्होंने जो हैदराबाद की दरियाफ़त करी उसमें कच्चा किला और पक्का किला बहुत मशहूर है। 1768 के अंदर इन्होंने कच्चे किला और पक्का किला हैदराबाद की बुनियाद रखी थी। आज जिस कदीमी जगह पर हम मौजूद हैं, आइए हम ज़ियारत करवाते हैं और मज़ीद इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। एंडोमेंट फंड ट्रस्ट के नाम से कमेटी बनी थी। इस कमेटी के तहत इस मकबरे की तामीर और तरक्की का काम होना था, जो 2 दिसंबर 2019 में मुकम्मल हो जाए। दोस्तों कहते हैं कि कलहोरो ख़ानदान ने सिंध में 86 साल हुकूमत करी, जिनमें सिंध की हुकूमत में सबसे सुनहरा दौर मियां गुलाम अहमद शाह कलहोरो का, जिन्होंने 16 साल अपनी हुकूमत करी। इनके दौर हुकूमत में सिंध सकाफती तौर पर, माशी तौर पर और सियाहती तौर पर बहुत तरक्की करने लगा। आज इनका मकबरा हाकिम का, बादशाह का ज़बून हाली का शिकार है। 1890 के अंदर इनकी मज़ार का जो है वो गुंबद गिरा था, फिर उसकी तामीर हुई। मैंने जैसे आपको अंदर बताया कि एंडोमेंट ट्रस्ट एक वो बनी, कमेटी बनी, जिसके तहत अब इस इदारे का काम जारी है। दिसंबर 2019 में ये काम हो जाएगा। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे।